से है जहां पर 6 साल की मासूम बच्ची से स्कूल में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बच्ची ने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद गुरुवार को परिजन स्कूल परिसर पहुंचे और जमकर हंगामा किया गया। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर मामले में लीपापोती करने का आरोप लगाया है, साथ ही आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। रिपोर्ट देखिए। स्कूल प्रबंधन मामले को दबाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ था। बच्ची के परिजनों को पता न चले, इसलिए स्कूल प्रबंधन आरोपी छात्रा के परिजनों को बुलाकर मामले को खत्म करने की तैयारी में था। वहीं केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य ने सफाई दी है कि हमने किसी प्रकार की लेट लतीफी नहीं की है। मामला संज्ञान में आते ही हमने बच्चों के पालकों को बुलाया। छोटी उम्र होने की वजह से घटना का पूरा पता नहीं चल पा रहा था। जब पूरी जानकारी लगी तो उनके पेरेंट्स ने आकर बात बताई तो लगा कि अटेम्प्ट टू सेक्सुअल है, जिसके बाद थाने में FIR कराई गई। अभी जांच रिपोर्ट आने वाली है। दो लड़के और बच्ची वॉशरूम के अंदर थी, ये बात हमारे पास आई है। नहीं, लेट लेटिफी इसलिए हम इसमें एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि ये लेट लेटिफी हुई है। जैसे हमने संज्ञान में आया, पहले तो बस ये है कि छेड़छाड़ की बातें हुई तो छोटी बच्ची को बता नहीं रही, हमको भी समझ में नहीं आ रहा था कि रियल में क्या है। अब जो जिस उम्र के बच्चे हैं उस पर हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो हमें हमारी जानकारी में परसों तक जो आई कि वो छेड़छाड़ की है, लेकिन कल जब उनके पेरेंट्स ने आके पूरी बातें बताए तो हमें लगा कि ये तो अटेम्प्ट टू सेक्सुअल असॉल्ट है। हमने इस पर इमीडिएट कार्रवाई की, इंक्वायरी कमेटी बैठाए और हमने थाने में FIR दर्ज कराए। दो बच्चे की उम्र कम होने की वजह से पुलिस मामले में CWC को सौंपने की बात कह रही है। बच्ची को CWC के सामने पेश किया जाएगा, इसके बाद किशोर न्याय बोर्ड के फैसले के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। बच्ची के साथ दो तीन बच्चों के द्वारा स्कूल में बाथरूम में ले जाकर उनके साथ कुछ गलत हरकतें की गई है। इस संबंध में शिकायत की गई है। चूँकि बच्चों की उम्र भी नाबालिग है, 12 वर्ष से कम है, इसलिए इस मामले में CWC के समक्ष बच्ची को पेश किया जाएगा। उसके बाद वहां से किशोर न्याय बोर्ड के द्वारा जो भी निर्णय होगा और उसमें कार्रवाई की जाएगी। रायपुर जैसे शहर में हुई इस घटना से लोग हैरान हैं, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारा समाज किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।